सभी को ध्यान समझना पड़ेगा। अभी अपन ने आदर्श चरण का बंटन किया, इसके बाद मैंने बताया कि सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है, उसकी टेबल वाले सवाल किए अपन ने। अब अपन निकाल रहे हैं यादृच्छिक चर का माध्य प्रत्यय। देखिए सांख्यिकी एक प्रकार का सूत्र ही होगा, उसको अपन चलेंगे आगे बताएंगे क्या सूत्र होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई भी सवाल आएगा, माध्य प्रत्यय आगे जाके प्रसरण आएगा, विचरण आएगा, इन सब से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, आखिरी में निकाल के रखना है। आपको बंटन करना है सबसे पहले, जो अपन करते आए हैं प्रायिकता, चार नंबर तो उसी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो ये लिखा है, एक न्याय सिक्के को, न्याय सिक्का मतलब इसमें हेड और टेल आने की दोनों घटनाएं सम संभावी हैं, सम प्रायिक हैं, या दोनों की प्रायिकता क्या है आधी आधी, एक बटे दो, एक बटे दो है। तीन उछालों प्राप्त चित्तों की संख्या क्या ज्ञात करना है, माध्य। अपन क्या कर चुके हैं, प्रायिकता बंटन कर चुके हैं तीन उछालों का, तो मतलब सिक्के को उछाला और हम पता करना चाहते हैं कि कितनी बार हेड आया। हो सकता है एक भी बार ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए बाकी दो बार ना आए, हो सकता है एक बार ना आए, और सही पहले दूसरा अपन लिखते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको संचय वाली मेथड नहीं बताई थी तो काफ़ी लंबा अपन करना पड़ता था। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, चूंकि सिक्के को तीन बार उछाला गया है इसलिए याद सर एक्स चार मान ग्रहण करेगा, और वो चार संभावनाओं को अपन एक टेबल में लिखते हैं, उस टेबल को अपन बोलते हैं प्रायिकता बंटन। पर इससे पहले चूंकि अपन ने चित्त के लिए उछाला है, तो सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है बेटा, कौन बताएगा? एक बटे दो। या तो आपको ये आती हो, आती होगी निश्चित ही, पूरी इसमें ही किया है। और चित्त ना आने की प्रायिकता, हाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं वन माइनस एक बटे दो, कितना आ गया एक बटे दो। समझ आया सभी को? नहीं आया, चलो अब चूंकि सिक्के को तीन बार चला गया है, अच्छा एक्स चार मान ग्रहण करेगा, सबसे पहला मान क्या रहेगा, क्या लिखते हैं एक्स बराबर जीरो, मतलब कोई नहीं, मतलब अपन ने तीन बार सिक्का उछाला और तीनों बार ही चित्त ना आया, इसकी प्रायिकता p at x is equal to 0 कितना है 3 3c 0 इसके बाद आएगा 3c 1 3c 2 3c 3 मैं कह रहा हूं 15 लोग याद है कर ही लिखे नहीं, इसको ध्यान दिए ही नहीं, तो अभी ध्यान देना है केवल एक बार चित्त, अब चाहे वो पहली बार में जाए, दूसरी बार में जाए, तीसरी बार, आप संचय की मेथड पहले जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, मैंने सारी संभावना लिखी भी है पर उसमें टाइम काफी लग जाता है, याद आया कि नहीं, x बराबर a 3c 1 p और q की पावर कौन बताए 1 1 मतलब एक बार आया दो बार दूसरा बार बताएगा तीसरा x बराबर 2 के केवल दो बार चित्त ना दो से कम ना दो से ज्यादा या केवल की जगह पर कुछ कर लो ठीक ये रहा सही रहेगा ठीक दो बार चित्त है ना और यहाँ पे भी अपन ठीक एक बार ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई x is equal to 2 पर 3c 2 p to the power 2 q to the power 1 t आने की प्रायिकता है तीसरा चौथा क्या आया हमारा x बराबर 20 तीनों बार चित्त या तीनों बार सफलता चलिए x बराबर 3 3c 3 p to the power 3 q to the power 0 अब एक एक करके सारे मान बताएंगे 3c 0 का मान बताएंगे सुभी लो सुभी को नहीं पता सुभी अभी घर जाओ और उसको सुधार चाहिए एक घंटा लग जाए बेटा पढ़ो 3c 0 का मान 1 3c 1 का मान 3 और 3c 2 का मान भी 3 और 3c 3 का मान भी क्या बात शाबाश चलो अब p कितना है 1 by 2 ये आ गया 1 by 2 और q भी इस बार क्या है 0 3 1 by 2 to the power 1 2 और 1 by 2 to the power 2 1 by 2 to the power 1 1 by 2 to the power 3 एंड 1 बाई टू दी पावर 0 देखो बच्चों किसी ये हो गया एक
किसी भी संख्या जीरो की घात का मान एक, ये तो एक इंटू एक एक हो गया और एक बटे दो का क्यूब आ गया एक बटे आठ। सेम यहां भी आ जाएगा कितना, एक बटे आठ। समझ में आया? अब आ जाते यहां, देखो एक बटे दो, एक बटे दो की घात दो, तो वही एक बटे चार, एक बटे दो कितना एक बटे आठ, तो ये आ गया आपका तीन बटे आठ और ये भी आ गया तीन बटे। और अब हम क्या लिखेंगे बताओ जरा, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, बोल के दिखाओ सर। अगर अपनी मेमोरी इतनी है कि अभी अभी के अभी भी बोल के बोला है और नहीं लिख पाए तो क्या फायदा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पी एक्स आई, जीरो वन टू थ्री। क्या क्या है प्रायिकता, एक बटे आठ, तीन बटे आठ, तीन बटे आठ, एक बटे आठ। तो बच्चों इतना हो गया, इसके बाद माध्य प्रत्याशा प्रश्न वो सब अलग विषय है, उनको बताएं, पर इतना तो बन बनता है, इतना आप कर लीजिए, आपको माध्य पर सब एक से आते का। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या, माध्य प्रत्याशा, क्या निकालेंगे माध्य प्रत्याशा। तो इन्होंने चूंकि माध्य बोला इसलिए अपन माध्य लिखेंगे। क्या सूत्र होता रोहित माध्य का, सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, मतलब जितने भी एक्स इंटू पी एक्स है उसे क्या निकल आता है सिग्मा। तो जीरो इंटू एक बटे आठ प्लस एक इंटू एक बटे आठ, सॉरी एक इंटू तीन बटे आठ, दो इंटू तीन बटे आठ प्लस तीन इंटू एक बटे आठ, ये तो जीरो हो गया, तीन बटे आठ प्लस छ बटे आठ प्लस तीन बटे आठ, लघुत्तम कितना आ गया आठ, तीन प्लस छ प्लस तीन, छ और तीन नौ तीन बारह, बारह बटे आठ, ये चार से कट जाएंगे, चार त्री बारह, चार दूनी आठ, कितना आ गया 1.5। सबको समझ में आया? आज मैं आपको प्रायिकता बंटन करने का एक और तरीका सिखाऊंगा, उससे शायद आपको सवाल सरल लगे, कर लीजिए। इसी सवाल को एक और तरीके से करेंगे, अपने पास काफ़ी समय है, और आपको लगेगा सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं अब बता देते हैं। देखिए अपन ने एक सिक्के को तीन बार उछाला है, यहां लिखना एक न्याय सिक्के को तीन बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, ये हमें आती है, ठीक है, एच 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 याद आया नहीं आया, फिर क्या यहां पर टी टी टी, फिर सर ने क्या सिखाया था मानसी, पहले एच क्या क्या लिख देना टी, याद आया, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी, फिर एच एच टी टी देवांशु और टी टी ए। अब बच्चों हम एक एक करके हर पॉइंट पे क्या निकालेंगे प्रायिकता, पी एक्स बराबर जीरो मतलब कोई चित्त एक्स बराबर जीरो कोई चित्त नहीं। अच्छा कुल परिणाम कितने हैं मानसी बेटा आठ, कितने हैं आठ, समझना मेरी बात को जरा, बंटन अपन वो करना है, कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है, आपको जैसे करना है, ठीक है। चलिए रोहित, अरे यार ये पेन तो चल नहीं रहा, एक सेकंड, लिखने का तरीका थोड़ा अपन कॉपी कर लें। चलिए पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें अपन वो लिखेंगे जब चित्त नहीं आए हैं, जब चित्त नहीं आए हैं, बताइए कौन कौन से आ जाएंगे इससे जल्द इसमें बेटा, टी टी टी, और कोई आएगा सीजल, तो इसका आंसर आ गया सीजल एक बटे आठ, नहीं आया समझ, बहुत बढ़िया भाई, एक कपड़ा दे दो देवांशु। दूसरा अपन क्या निकालेंगे, पी एक्स बराबर एक, इसमें एक वाले आ जाएंगे सीजल, देखो जरा बेटा कौन कौन से हैं जिसमें एक चित्त आया है, एच टी 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 एच टी, बस और कोई, ये आ गया एक, यहां पे लिखना बेटा मैं लिखना भूल गया हूं, सेकंड क्या लिखना अपन को मानसी, मानसी क्या लिखना अपन को, एक्स बराबर एक केवल एक चित्त या ठीक एक चित्त, तो कितने आ गए इसमें तीन, तो कितना आ गया रोहित तीन बटे आठ। थर्ड अपन क्या लिखेंगे, एक्स बराबर दो मतलब ठीक दो चित्त, दो चित्त वाले देख लो मानसी बेटा, दो चित्त वाले देख लो बेटा जरा, हाँ आवाज नहीं आ रही हमें, ये ठीक दो चित्त, ना दो दो से कम ना दो से ज्यादा,
टी एच एच, याद रखना। देखो बेटा ये बड़ा कोष्टक मैंने लगाया और ये हमेशा मंझले कोष्टक में लिखे जाते हैं, अभी अभय समुच्चय की। और तो रोहित बेटा अपन इसको बड़ा भी कर सकते हैं, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम होंगे, ऐसे तो बहुत परेशान हो जाएंगे अपन। ये एक सवाल में कितने सवाल हो जाते हैं, 3/8। आखिरी बोलना पड़ेगा एक्स बराबर 3, तीनों चित्त। देखो जरा तीनों चित्त कब आए हैं मानसी, आवाज ही नहीं आ रही, और कोई तो केवल एक अनुकूल परिणाम आया तो प्रायिकता आ गई 1/2। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, सीधा लिखेंगे माध्य का सूत्र, माध्य कौन बोलेगा मानसी बेटा, सिग्मा एक्स डॉट पी एक्स, तो वही आ गया 0 × 1/8, 0 × 1/8, 1 × 3/8 एंड 2 × 3/8 एंड 3 × 1/8 हो जाएगा। अब मानसी 3/8, 6/8, 3/8, लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, 6 × 3, 9 × 3, 12, 3/2। कौन सी ज्यादा सरल है, ये इसलिए सरल है बिकॉज 3 सिक्के उछालते हैं तो आपको प्रतिदेय समष्टि आती है। और गौर कीजिए आपने 2 सिक्का वाला भी सी से किया है, तो बहुत प्रकार से किया है, पर वो सब सवाल ऐसे भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है 2 5 को युग्मतः उछाला जाता है, तो एक्स क्या है छक्कों की संख्या व्यक्त करता है एक्स पर, मतलब देखिए आप एक पासे को दोबार उछालो या 2 5 को एक साथ उछालो, बात एक, मतलब कुल मिला के 2 बार, एक पासे को 2 बार या दोनों को साथ में, मतलब एक्स 3 मान गण करेगा 0 2, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जब हम एक पासे को उछालते हैं, 2 पासों को उछाला गया है, हम पी क्यू वाले मेथड से करने वाले हैं, तो एक पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर क्या क्या हो सकता है, ले 1 2 3 4 5 6, उनमें 6 कितनी बार आता है 1, तो छक्का आने की प्रायिकता कौन बताएगा मानसी, 1/6, नहीं याद ऊपर पूरा करना पड़ेगा, बताइए पूरा लिख दे रहे समय सी। अब लिखेंगे छक्का ना आने की प्रायिकता, आप चाहें तो मैं इसको 6 बोल सकता हूं, क्यू बराबर 5/6, अगर ये समझ में नहीं आया तो 1- लिख दे रहे, लिख दो यार जी जा रही नंबर कट जाएंगे 5/6। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि 2 पासों को उछाला गया है इसलिए आधे चर x 3 मान ग्रहण करेगा, x बराबर 0 दोनों पासों पर छक्का नहीं आया। अब ये मतलब दोनों बार छक्का नहीं आया, क्यों, क्योंकि एक पासे को 2 बार नहीं उछाला है, दोनों को 7, तो इसलिए कहा है दोनों पासों पर छक्का नहीं आया। कौन बोलेगा बेटा 2C0, 3C0 नहीं आएगा बेटा कंचन, 2C0, P^0, Q^2, फिर 2C1, फिर 2C2, यहाँ लिख दें क्या, क्योंकि 2 5 को चला गया है, अच्छा एक्स कितने मान का आएगा 3 0 1 2, याद है सब, थोड़ा सा घर जाके 2C0 का आएगा 1 1/6 0 एंड 5/6 2, कुल मिला के आ गया ये 25/36, मतलब 36 चांस होते रोहित 2 5 को उछालने पर। ये अपन अब उस मेथड से भी कर सकते हैं, कौन सी वाली से, हाँ उससे भी करेंगे अपन अभी, आपको जो अच्छी लगे। तो ये पी एक्स बराबर 0 कितना आ गया 25/36, मतलब 25 चांस ऐसे जब 6 आएगा ही नहीं, ना पहली बार में ना दूसरी बार में। नेक्स्ट बेटा पी एक्स बराबर 1 किसी एक पासे पर छक्का आया, मतलब या तो पहले पे आ गया या दूसरे पे, एक तरीका वो भी है पहली बार आ जाए, दूसरी बार नहीं आया, दूसरी बार आ जाए और ये पहले, उसका शॉर्ट ये है, कौन बताएगा बेटा एक्स बराबर 1, कौन बोलेगा मानसी बेटा 2C1, आवाज नहीं आ रही मुझे, आई नहीं रहा, P^1, ओके नेक्स्ट 2C1 का मान 2, ये तो सीख जाओ, P^1 1/6, 5/6, 5 × 10/36, इनको काट सकते हैं मान से लेकिन अपन नहीं काट रहे,
आप काटना चाहें तो आंसर काट कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट रोहित, जब x बराबर 2, दोनों 500 पर छक्का आया, इसके बहुत कम चांस होते रोहित, चलिए फिर भी अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या आएगा पी एक्स बराबर 2, 2c2, पी की घात 2, क्यू की घात 0, 1/6 स्क्वायर एंड 5/6 0, 1/36। अब हम निकाल लेंगे माध्या प्रत्याशा, क्या सूत्र होता है सिग्मा एक्स पी एक्स, सारे एक्स 0, उनका पी एक्स 25/36। अब कई बार अपन को ऐसा लगता है यार जब 0 को यूज ही नहीं है तो काय निकाला, लेकिन नहीं, आप टिवली बना दीजिएगा, मैं तो ये कहूँगा 5 नंबर में बहुत छोटे सवाल कहलाते बेटा 5 नंबर के हिसाब से। फिर नेक्स्ट बताइए, 1/10/36 और 2, सही है बेटा। अब ये काट लो मानसी, कितना आ गया 5/18, सही है, और ये 2 से कट जाएंगे 1/18, 5/18 1/18, 6/18 1/3, आंसर मिला लीजिए बेटा, सही आ गया, और इसको आपको दूसरी मेथड से भी कराया, 4, 5, 4, 6, 5, 6, कुल मिला के हमें लिखने से मतलब है निशांत, कैसे भी करके अपना लिख जाए, और 36 परिणाम अपने कई बार लिखे, 10 से लिखते आ रहे। अब अपन शुरू करेंगे, चूंकि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, इससे याद, और 2 5 कितने मान गण करेगा 3, मानसी बेटा पहला x बराबर 0, यहां पे क्या लिखेंगे मानसी, कोई पी एक्स, रोहित वो देख लेंगे इसमें 6 नहीं है, जिनमें 6 नहीं है, अगर आप गौर करें दिख गए, इन सब में 6 नहीं है, टोटल कुल परिणाम कितने हैं मानसी बेटा, आप इसको इग्नोर कर सकते, जब कठिन सवाल आएगा तो आपकी बैंड बजेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। बताइए मानसी, तो कितने ये अगर छोड़ दें अपन 36 में से, तो कितने 25, देखिए 5 5 हो जाएंगे, आप अच्छे से बनाएंगे तो क्लियर, आप बहुत अच्छे से बनाएगा, आलस मत खाइएगा, मैं तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई यदि 2 दिन पढ़ाओ छुट्टी कर दो, मैंने तो नहीं बोला कि 2 दिन पढ़ाओ छुट्टी कर दो, अपन इसी ऐसी हर दया पढ़ते हैं, लास्ट में 2-3 अध्याय जल्दी जल्दी पढ़े, पर अपने पास टाइम तो अच्छे से पढ़ लूँ ना यार, 2 क्वेश्चन आने प्रायिकता से, चलिए ये हो गया मानसी। सेकंड क्या है बेटा बताओ जरा, एक्स बराबर 1, केवल 1/5 पर 6, केवल वो देखने हैं मानसी जिनमें क्या आया है 1, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है मानसी बताओ जरा, वो देखने इनमें क्या आया है 1/5 पे 6, फर्स्ट सेकेंड एक्स बराबर 1, केवल 1/5 पे 6, कौन कौन है बेटा, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, पी एक्स बराबर 1, कौन बताएगा मानसी बेटा 10/36, 5/18, और लास्ट मानसी एक्स बराबर 2, इस वाले को तो मना, दोनों बार 6 कब आया है देखो जरा सीजल बताओ, केवल 1, 6, 6, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ गया 1/36। अब आसानी से आप इसको कर सकते, तो आपको ये ज़्यादा कठिन लगा। बच्चों ये जो अपन एक सवाल पढ़ने वाले हैं, इस सवाल से अपन काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, माध्य के अलावा अपन इसमें प्रसरण, मानक, विचरण ये सब भी सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको बता दूँ कि सवाल क्या मैंने लिखा नहीं, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। पांसे के एक जोड़े को छाला जाता है यादृच्छिक चर x का मतलब है 500 प्राप्त संख्याओं का योग। अब आप इसको p और q से बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए, मैंने कोई चीज फालतू में नहीं बताई, x मतलब है पांसे पर प्राप्त संख्याओं का योग। अब योग 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 2 कब होगा ये देखो, 1 और 1 2, बस एक ही चांस होता है, मैंने आपको याद हो योग बताए थे 3, 1 और 2, 2 और 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 5, ऐसे करके 12 तक होता है, 12 का एक ही चांस होता है, कौन सा समय होता है 7 की शर्त लगाओ, सबसे ज्यादा योग क्या चांस का होते हैं 7 के, पर अपन को तो पूरे लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे 1-2 तो मैं करके दिखा रहा हूँ मानसी, तुम्हें करने हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहला अपन लिखेंगे रोहित ये पी एक्स बराबर 2। अब बताइए मानसी 2 कब कब हो सकता है, देखिए पहले आप मेरी बात समझिए, एक बड़ा कोष्टक लगाया इसके अंदर अपन लिखेंगे, कौन आ गया 1, 1 और कोई क्यों
दो योग आने का एक ही चांस होता है, दोनों पे क्या आ जाए, एक एक। तो प्राय, अच्छा यहाँ पे एनएस नहीं लिखा मैंने, एनएस क्या है 36, तो प्रायिकता आ गई बेटा 1/36। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स बराबर 3, तीन वाले देख लीजिए मानसी बेटा, ये दिख रहा है आपको, मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाया है, 1, 2, तो केवल दो परिणाम हुए, कितना आ गया 2/36। इनको काट सकते हैं लेकिन काट नहीं रहे, अपने को प्रॉब्लम होगी। प्राची बेटा सॉरी, चलिए टी एक्स बराबर 4, चार वाले देख लो जरा मानसी, इसके बाद वाले, ये लाइन पूरी समझ रहे ना, 1, 3, 2 और अगर आपको समस्या नहीं भी लिखनी रोहित तो भी मैंने कोई टेक्निक सिखाई, याद आया नहीं आया किसी को, इसकी टेक्निक सिखाई है ना, अगर योग 7 प्राप्त कर, अगर अपन को 5 योग प्राप्त, कहाँ चालू कर दे अपन 1 से, और 10 करना तो कहाँ चालू कर दे 6 से, सेजल को याद नहीं है हम कैसे करना है। चलो सेजल कितना आ गया बेटा 3/36, यार मैंने अभी पढ़ाया तो लोग 12th में। नेक्स्ट पी एक्स बराबर 4, बिना देखे करके बताएं कौन कर देगा, बताओ है कोई धंधा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे मान, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, हाँ बोलो सीजल, इसमें हाँ सॉरी मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे बेटा, मैं आपको ये समझा रहा था, आपने सुना नहीं मेरी बात, अगर आप समिष्टि ना भी लिखें तो भी आप ये लिख सकते हैं, आपको हमें टाइम बचाना है, पूरे लिखना है रोहित। अगला क्या है रोहित, एक्स बराबर 6, 6 वाले देख लो बताओ जरा, देख के बताना बिना देखे, बिना देखे 1, 5, 2, 4, 3, तुम तो लाइन में लिखोगे तो वहां पूरे एक में आ जाएगा, अभी लिख लेना बेटा, यहां पर नहीं लिखा नहीं सॉरी, पहले ये तो लिख लें, ये कितना आया था 4/36, अगला आएगा 5/36, फिर आएगा 6/36, उसके बाद कम मूल लगेंगे, तो आपको पूरे करने हैं। चलिए करके बता, कर लिए हैं, फिर कोई मुस्कान आपको लगता है कि अरे यार नहीं, बहुत सारी चीजें निकलवा रहे हैं, तो बेटा आप चिंता मत कीजिए, सबको पता है कि दो, तो आप करना क्या सीजल, समिष्टि लिखने के बाद आप लिख देना भाई कि दो कितनी बार आता है, एक बार, और अगली स्टेप में प्रायिकता लिख देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। सबसे ज्यादा क्या आता है 7, आपने लिखा हुआ, लिखा है अभी, फिर 5, 4, 3, 2, 1 और सबके बटे में 36। तो काफी लोग मुस्कान डायरेक्ट भी लिख देते हैं उनको अपना टाइम बचाने के लिए। अब बेटा हमें क्या निकालना है बताओ जरा, माध्य। इसके अलावा इस सवाल में अन्य भी कई चीजें निकालनी, वो भी अपन निकालेंगे सीएल। माध्य का सूत्र क्या होता है सीएल, माध्य को अपन ई एक्स बोलते, क्या बोलते, ई एक्स, एक्स इंटू पी एक्स, आराम से इत्मीनान से करेंगे तो ही आगे जाएंगे, डायरेक्ट करेंगे सेजल, ताकि अपने पास समय बचे थोड़ा सा, 2/36 या लिखने कहो तो हाँ चल जाएगा, 2/36, 3 × 6/36, आप पूरा लिख लीजिएगा मानसी, 4 × 3 = 12/36, 5 × 20 = 36, 30/36, 42/36 और 40/36, सारे हो गए, एक मिनट, 9 × 36 10 दिया 30/36 और 22/36 और अब बच्चों संख्याएं जोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं, सवाल कितना भी बड़ा हो संख्या, अगर आपको लगता है कि सवाल बहुत बड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको शॉर्ट में कर लेना। चलिए स्टार्ट करते, 6 और 2 सांख्यिकी नहीं बन रही, 6 और 2 8 और 12 20 और 20 और 30, अभी को रुक जाओ, 40 × 70 70 और 40 110, अब जोड़ लो 152, 152 और 36, 152 और 36, 188, 188 और 30, 218, 22, 240 और 12, 252, करना है यार भाई छोड़ के थोड़ी आगते, 252, ये कट जाएंगे, काहे से कटेंगे, 6 से, 6 × 24 6 × 2 = 12 6 × 6 = 36 फिर कट जाएंगे, 6 × 7 = 42 ये आ गया बेटा क्या अपना माध्य।
अब इसी सवाल में हमें निकालना है प्रसरण। क्या निकालना है? प्रसरण कोई बड़ी चीज नहीं है, बस प्रसरण ई एक्स स्क्वायर। क्या कहलाता है? ई। इसमें हम क्या करेंगे मानसी? सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो गुणा तो करना है पर एक्स का पी एक्स में नहीं, एक्स स्क्वायर का। तो दो का स्क्वायर कितना होगा मानसी? चार इंटू एक बटे छत्तीस। तीन त्रिका नौ इंटू दो बटे छत्तीस। चलिए जल्दी सब लोग करके दिखाइए, मुझे आंसर चाहिए जल्दी जल्दी, सब कुछ छोड़ के। सोलह इंटू तीन बटे छत्तीस। फिर रोहित पच्चीस इंटू चार बटे छत्तीस। फिर बोलना पड़ेगा यार, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। छत्तीस इंटू पाँच बटे छत्तीस और उनचास इंटू छ बटे छत्तीस और चौंसठ इंटू पाँच बटे छत्तीस। इक्यासी इंटू चार बटे छत्तीस। बेटा सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा, अपन रुकेंगे करेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। सौ इंटू तीन बटे छत्तीस और ग्यारह का एक सौ इक्कीस होता है दो बटे छत्तीस और आखिरी एक सौ चवालीस गुणित का एक बटे छत्तीस। बेटा क्या आ गया? चार बटे छत्तीस, नौ दूनी अठारह बटे छत्तीस, सोलह तिया अड़तालीस बटे छत्तीस और पच्चीस चौके सौ। जो लोग बेटा कुछ भी ना करें केवल इन संख्याओं को जोड़ें ताकि अपना टाइम बचे, ठीक है? कुछ नहीं करना आप लोगों को, ऊपर की संख्याएं जोड़ना है। सौ बटे छत्तीस, कुछ लोग मेरे साथ रहें। देखो उनचास का छः है, पाँच छक्का तीन सौ, छः कम हो गए तो आ गए दो सौ चौरानवे बटे छत्तीस। पंचों के बीस का शून्य, हाँ तीन सौ बीस, शाबाश निशान, तीन सौ बीस बटे छत्तीस और बोलना ही पड़ेगा यार, तीन सौ बटे छत्तीस। चलिए सौ दिया तीन सौ, कहाँ तक पहुँच गए सही अपन? यहाँ तक पहुँच गए ना, तीन सौ बटे छत्तीस। फिर दो सौ बयालीस बटे छत्तीस। फिर नहीं यार, हाँ तीन सौ एक सौ, हाँ एक सौ चवालीस बटे छत्तीस। जोड़ा किसी बच्चे ने इन सबको, अपना रह गया सौ बटे छत्तीस हो गया, पच्चीस चौके ये छत्तीस पंचे छोड़ दिया है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक सौ अस्सी बटे छत्तीस। इनको जोड़ोगे तो आएगा उन्नीस सौ चौहत्तर बटे छत्तीस। इनको छः से काट लेंगे अपन बेटा, छः तिरी अठारह और ये सत्रह, छः दूनी बारह, छः नाम चौवन और छः छंग छत्तीस। फिर इसको काटना तो पूरा ही है, इसलिए अपन छः पंचे तीस बोलना पड़ेगा बेटा, उनतीस, छः पंचे तीस आया उनतीस, छः चौके चौबीस, बचा पाँच। हाँ बेटा आप लोग तो बिल्कुल ही साइड हो गए, कैसे पढ़ाएंगे हम ऐसे? छः पंचे तीस, छः चौके उनतीस, बचा पचास, कितना आएगा पचास का? छः आठ अड़तालीस, फिर बचा दो बचेंगे, छः तिरी अठारह, फिर दो, ये आ गया अपना, ठीक है मानसी बेटा। चलिए अब अपन को अन्य चीज़ें निकालनी, जैसे कि अपन को निकालना है प्रसरण। क्या निकालना है? तो प्रसरण क्या होता समझ लीजिए आप, प्रसरण को अपन लोग सिग्मा दर्शाते, आपने इलेवेंथ क्लास में ही पढ़ा है, आपको याद नहीं होगा। ये आएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। घर जाके देखिएगा ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, बस थोड़ा अंतर होगा। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या निकाला अपन ने बेटा? चौवन दशमलव आठ तीन तीन और सात का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? मान लीजिए सात का स्क्वायर उनचास, घटा लीजिए पाँच दशमलव आठ तीन तीन आएगा, एक बार मिला लीजिए बेटा, आ गया। अब एक ही तीन रहने दो। अब मानसी मेन चीज जो आपको वहां भी परेशान करती थी यहां भी करेगी, मानक विचलन। मानक विचलन में क्या निकालना पड़ता है? वर्गमूल। किसी को भी याद नहीं है? अच्छा प्रसरण को वेरिएंस बोलते हैं ना, मेरी गलती यहां पे, क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएंस एक्स। मानक विचलन कैसे निकालना? सिग्मा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। आपको याद नहीं है, आप लोगों ने किए ये सवाल, ठीक है, और अंडर रूट फाइव पॉइंट। अब इसको कैसे निकालेंगे? विधि बताई थी हमने आपको, कौन सी वाली विधि है? भाग विधि,
याद नहीं आया तो याद कीजिए, पुराने राष्ट्र खगोलिए, बाय चांस नहीं पता तो मेरे 11th की वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो सेंड भी कर दूंगा, उसमें वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया है। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा, 2.414। और अगर आप अभी रुकें तो अभी बता दूंगा मैं आपको वर्गमूल निकाल, आता है वर्गमूल निकालना किस किस को आता, भाग विधि से उठाओ हाथ।